नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आसीन उखंड की लाछुड़ा ग्राम पंचायत में विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत लाछुड़ा सरपंच सुमनलता मेवाड़ा एवं आसीन विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा का जन्म दिवस विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन करके एवं समर्थकों ने केक काट कर मनाया। साथ ही प्रदेश भर के विख्यात कवियों के द्वारा श्रृंगार वीर हास्य रस की कविताओं से श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके की। तत्पश्चात कवियों ने परिचय देते हुए कविता वाचन किया। साथ ही कवि सम्मेलन में श्रोताओं का तांता लगा रहा। वहीं कवि सम्मेलन का आगाज 10 अप्रैल शाम 8 बजे से शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। समाज सेवी ताराचंद मेवाड़ा ने आए हुए अतिथियों का साफा बंधवा कर एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। कवियों ने मंच के माध्यम से भीलवाड़ा जिले के शहीद पुलिसकर्मी पवन कुमार जाट एवं ओंकार रायका को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कविताएं प्रस्तुत की। वहीं कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शहीद की पत्नी एवं पुत्र की पीड़ा को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। वहीं हास्य कवि संपत सुरीला, कमल माहेश्वरी, कमलेश शर्मा, नवीन सारथी, सरोज शर्मा, अजय हिंदुस्तानी, मुकेश उच्चेचानी, देवकरण देव, रामू रंगीला, बद्री बसंत आदि कवियों ने कविता वाचन करके श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान एवं मेवाड़ की परंपरा को कायम रखते हुए कविता पाठ का वाचन किया, जिसमें राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई दी। स्थानीय कवि रामू रंगीला ने मंच के माध्यम से रामनवमी की श्रोताओं एवं आए हुए अतिथियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को जन प्रतिनिधियों के जन्मदिन के रूप में मनाना बड़े सौभाग्य की बात है। वहीं विशाल कवि सम्मेलन में पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर विष्णु पारीख, समाज सेवी ताराचंद मेवाड़ा, लादूलाल मेघवंशी, गजेंद्र खटीक, निर्मल मेघवंशी, लादूलाल मेघवंशी, दुर्गा प्रसाद लखारा, शरीफ मोहम्मद आदि उपस्थित थे।